सफाइयों का जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर मौजूद। किसानों के समर्थन में सपा का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट जाने के लिए मुख्यालय से निकले सपाई। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात। लखनऊ से बड़ी खबर, सपाइयों का प्रदर्शन जारी, किसानों के समर्थन में सपाइयों का जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी सुरक्षा बल यहां पर तैनात है और किसानों को, सपाइयों को रोकने का यहां पर काम किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सपाइयों का जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन। भारी संख्या में यहां पर सपा कार्यकर्ता मौजूद हैं और प्रशासन रोकने की कोशिश कर रहा है सपाइयों को। बैरिकेडिंग पर चढ़कर हंगामा कर रहे हैं सपा कार्यकर्ता। और उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद सफी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहम्मद सफी, जिस तरीके से सपाइयों का प्रदर्शन जो है वो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जारी है और लगातार प्रशासन भी इनको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है सफाई। मैं बता दूं कि लगातार प्रदर्शन जोर पकड़ता जा रहा है। जो उनके बड़े नेता हैं, चाहे सुनील भदौरिया हो, चाहे आनंद भदौरिया हो, चाहे बड़े नेता हो, सारे लोग शामिल होते जा रहे हैं और लगातार औरतें भी शामिल हो रही हैं जो उनकी महिला कार्यकर्ता हैं, और उसके चलते जो विरोध प्रदर्शन है वो और भी बढ़ता नजर आ रहा है। और पुलिस प्रशासन ने लाठियों का भी प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है कई लोगों के ऊपर, और कई गिरफ्तारियां भी अब लगातार जारी है। और अभी ताजा अपडेट की बात करें तो राम कोविंद जो उनके बड़े नेता है वो अपने आवास के सामने धरने पर बैठ चुके हैं। जी, इन सबके बीच मोहम्मद सफी, अखिलेश यादव अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, अभी अगर बात करें अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन अभी ना उनका कोई बयान आया है, ना किसी तरह के अभी वो सामने आए हैं, अभी उनका किसी तरह का कोई भी प्रतिक्रिया नजर नहीं आ रही है इस आंदोलन को देखते हुए। मोहम्मद सफी, जिस तरीके से किसान शांतिपूर्वक धरने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें सपाइयों की आ रही हैं वो शांतिपूर्वक तो नजर नहीं आ रही, जमकर हंगामा काटा जा रहा है, बैरिकेडिंग्स पर चढ़ रहे हैं सपाई। बता दूं आपको, जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, अगर किसानों की बात करें तो किसानों का साफ तौर से कहना था कि जो भी प्रदर्शन होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा और कोई भी पार्टी या नेता या कोई भी झंडा बैनर उनके सामने या उनके पास नहीं आएगा, ना वो किसी को चाहते हैं कि वो कोई इसमें शामिल हो। लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी की या और भी जो भी विपक्ष पार्टियां हैं, वो लगातार सरकार पर हमलावर हो रही है और लगातार जो प्रदर्शन कर रही है वो कहीं ना कहीं उग्र होता जा रहा है। अगर बात करें ये उग्र होने की, 2022 के जो चुनाव है वो भी कहीं ना कहीं नजदीक है, इसको देखते हुए जो सारी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जो प्रतिक्रिया है वो और भी बढ़ाती नजर आ रही है, अपनी जो प्रेजेंटिंग है वो और दिखाती नजर आ रही है कि उनकी पार्टियां कितनी मजबूत हैं। कहीं ना कहीं ये राजनीति जरूर नजर आ रही है इसमें करते हुए किसानों को लेकर। सभी यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से 19 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है और सपा जब भारत बंद का ऐलान किसानों द्वारा किया गया तब सड़कों पर उतरी, आज जब किसान भूख हड़ताल पर है तब सड़कों पर उतरी, 19 दिन ये जो बीच के कह सकते हैं जो 17 दिन थे तब सफाई कहाँ थे? जी बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरीके से किसानों ने आंदोलन शुरू किया, आज 19वां दिन हो गया है, पहले उन लोगों ने शांतिपूर्ण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर भी अब बैठ गए हैं, लेकिन अब जिस तरीके से प्रदर्शन उनका बढ़ रहा है, दिन बढ़ रहे हैं, लगातार ये लोग भी उग्र होते नजर आ रहे हैं। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की और भी विपक्ष पार्टी की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग इसी किसानों की आड़ के में कहीं ना कहीं अपनी भी राजनीति चमकाती नजर आ रही है, क्योंकि अगर बात करें अखिलेश यादव की तो काफी दिनों के बाद वो कुछ दिन पहले रोड पर नजर आए थे, उन्होंने उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, फिर उनको जमानत पे छोड़ा भी गया था, और आज फिर समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार प्रदर्शन जारी है। और जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरीके से पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ रहा है, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पूरा लगा पड़ा है इनको रोकने के लिए, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी नजर आ रही है जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। खुद लखनऊ डीएम जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश खुद इस भीड़ में फंस गए, तो उनको किसी तरीके से निकाला गया रास्ते से, जिस लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, जाम लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग जो घर से निकल के अपने काम पे जा रहे थे अभी तक पहुंच नहीं पाए। अगर बात करें तो पूरे लखनऊ में जाम का माहौल बना पड़ा है,
तो कहीं ना कहीं जरूर इन सभी पार्टियों को सोचना पड़ेगा लोगों के बारे में। जी सभी बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आखिर सफाइयों का ये प्रदर्शन कितना कारगर साबित होता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सफाइयों का प्रदर्शन लगातार जारी है, जमकर हंगामा काटा जा रहा है। और इसी बीच बलरामपुर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं।